छठ का पावन पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। आखिरकार इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई और इसे मनाए जाने के वैज्ञानिक कारण क्या है, बता रहे हैं इंदौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कपिल महाराज। कहते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, एक कथा महाभारत कालीन में भी आती है कि जब महाराज युधिष्ठिर ने अपना जुए में सारा राजपाट हार गए थे, तो उस राजपाट हारने के बाद द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने इस छठ के व्रत के बारे में बताया था। जब द्रौपदी ने इस छठ के व्रत को करा तो उन्हें अपना राजपाट पुनः प्राप्त हुआ। और एक कथा और आती है, प्रियव्रत नाम के एक राजा थे जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक व्रत रखा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, मगर उन्हें संतान तो प्राप्त हुई, वो भी मृत संतान प्राप्ति हुई। जब उसको दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे, उसी समय षष्ठी देवी ने उन्हें दर्शन दिया और जैसे उस बालक को स्पर्श करा तो बालक किलकारियां भरकर हंसने लग गया। तब से ये व्रत का पूजन करा जाता है ताकि इस व्रत का प्रभाव हमारे घर में भी रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने जीवन की हर उस मुकाम पर हासिल हो सकें। जिस प्रकार से सूर्य की जो किरणें निकलती है, जो सहस्त्र किरणें धाराएं निकलती है, उसी प्रकार से हमारे घर के जो वयोवृद्ध लोग हैं उन सबका मान सम्मान ऐसा बना रहे, इसलिए छठ का पूजन विशेष रूप से किया जाता है जी। तो इस प्रकार से ये जो छठ होती है साल में दो बार आती है, एक तो कार्तिक की छठ को और एक चैत्र की छठ को, इस समय ये दोनों पूजन करी जाती है। मगर ये ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें इसमें बहुत ही वर्जित कही गई है जिसको नहीं करना चाहिए। एक तो जब भी आप छठ का पूजन करें उसमें कभी भी प्लास्टिक का उपयोग न करें। पूर्णतः आप देखेंगे जितनी भी महिलाएं रहती है वो नारियल के बने हुए पात्र, नारियल की जो छाल रहती है उसके बने हुए पात्रों का उपयोग करती है, या लकड़ी के बने हुए पात्रों का उपयोग करते हैं। दूसरा, इसके अंदर आप प्याज लहसुन भूल कर भी मत खाइएगा, अन्यथा आपने जो व्रत रखा है उस व्रत का आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। छठ के दिन जब भी आप पूजन कर रहे हैं तो बिना सूर्य को अर्घ दिए कभी भोजन मत करिए, ना तो वो भोजन आपको सार्थक होकर लगेगा ना उस पूजन का फल आपको प्राप्त होगा। छठ के अंदर अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो ये आयोडीन नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। छठ के अंदर पूजा जो हो रही है इस दिन पूरा धर्म का ध्यान रखते हुए धार्मिक परंपराओं तथा मान्यताओं के अनुसार इस कार्य को जब करते हैं तब सूर्य नारायण का आपके जीवन में आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये छठ का पूजन करना चाहिए। और एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, जब तक आप सूर्य नारायण को प्रसाद का भोग नहीं लगा रहे हैं तब तक आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही आप ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से छठ के पूजन में कुछ ये सावधानियां थी जो मैंने आपको बताई। ये छठ का पूजन आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, आप सभी के जीवन में आपके परिवार को आयु आरोग्यता की प्राप्ति हो। छठ पूजन अगर आप देखेंगे अधिकतर लोग बिहार, झारखंड, नेपाल, पश्चिम बंगाल और ये बंगाल के जितने भी जो प्रदेश पड़ते हैं इस तरफ के जितने भी राज्य आ रहे हैं, इधर के लोग अधिकतर छठ पूजन का विशेष तौर से पूजन करा जाता है, क्योंकि इसमें मैथिली तथा मगध के जितने भी लोग रहते थे ये इनका पूजन करते थे। और छठ पूजन करने से भगवान सूर्य की जो बहन है षष्ठी, उसका पूजन किया जाता है। छठ के अंदर षष्ठी देवी का इसलिए पूजन कहा जाता है क्योंकि जितनी भी माताएं रहती है, कुछ माताएं अपने पुत्र के लिए, कुछ माताएं अपने पति के लिए, कुछ माताएं अपने भाई के लिए, उन सबकी आयु आरोग्यता की प्राप्ति करने के लिए इस पूजन को किया जाता है। 36 घंटे तक व्यक्ति निर आहार रहकर भगवान का पूजन किया जाता है और सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है। और इसकी मान्यता ये कही गई है कि जब भगवान को अर्घ देते हैं तो कहते हैं भुज्यताम परमेश्वर, कहते हैं भुज्यताम परमेश्वर, वो इसलिए कि हे प्रभु ये जो आपको हम भोग लगा रहे हैं इसे आप स्वयं ग्रहण करें, उसको अर्घ के रूप में उस नदी या सरोवर में छोड़ दिया जाता है।